मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होगा? मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होगा फॉर देयर प्रोपागेशन। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव में क्या होगा? मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखो, वेव प्रोपागेट होने के लिए अगर मीडियम वहां पे नेसेसरी है तो वो मैकेनिकल वेव बनेगा, एंड मीडियम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब मीडियम है तो भी प्रोपागेट होगा, मीडियम नहीं है तो भी प्रोपागेट होगा। तो उस टाइप की वेव को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इस सेक्शन में जो हमारा 11 का वेव का सेक्शन है, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैकेनिकल वेव्स ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम 12th में डिस्कस करेंगे। फिर भी यहाँ पे बेसिक आइडिया देखा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जैसे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से होते हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, कम्युनिकेशन वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो ट्रैवल करेंगे तो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब मीडियम है तो भी ट्रैवल करेंगे, मीडियम नहीं है तो भी ट्रैवल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है अबाउट मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है? जिनके लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपागेशन। अब मैकेनिकल वेव को हमने डिफाइन भी किया था, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहली टाइप देखी थी अकॉर्डिंग टू प्रोपागेशन। जैसे वन डायमेंशनल वेव है, वन डायमेंशनल मतलब जो वेव ट्रैवल करेंगे इन ओनली वन डायरेक्शन। कहां पे होता है ऐसे? जब हम स्ट्रिंग के ऊपर वेव को सेट करते हैं, तो स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव सेट होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, मतलब वो बनेगा वन डायमेंशनल वेव। उसके बाद में आता है टू डायमेंशनल वेव, जो कहां पे होता है? वाटर के सरफेस के ऊपर, मतलब वाइब्रेशन अप एंड डाउन भी परफॉर्म होते हैं, एंड जहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए थे वहां से एंड तक ट्रैवल भी करते हैं। मतलब ये टू डायरेक्शनल हो गया, मतलब टू डायमेंशनल वेव हो गया। एंड इसके बाद में आता है थ्री डायमेंशनल वेव, जैसे कि साउंड है या फिर लाइट है, कहीं पे भी प्रोड्यूस करो, इट विल ट्रैवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सिर्फ तीन ही नहीं, ऑन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल वेव। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टाइप देखी थी वेव की, अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स, एंड जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी थी अबाउट ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है ट्रांसवर्स वेव? इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। पर देखा क्या होता है ट्रांसवर्स, मतलब परपेंडिकुलर। मतलब क्या होगा? जब भी एनर्जी प्रोपागेट करेगी तो एनर्जी के प्रोपागेशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस प्लेन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करेंगे? वाइब्रेशंस। बाकी नोमेन टाइप्स ऑफ वेव टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन इट्स प्रोपागेशन, बेस्ड ऑन इट्स प्रोपागेशन।
मतलब उसके प्रोपागेशन के ऊपर डिपेंड करता है टाइप्स, जिसमें दो टाइप आएंगे वेव के अगेन। एक होगा प्रोग्रेसिव वेव, कौन सा वेव, प्रोग्रेसिव वेव, एंड दूसरा होगा स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस हो रहा है थ्रू द मीडियम, मतलब प्रोपागेट हो रहा है थ्रू द मीडियम, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डिफरेंस समझ में आ रहा है वर्ड का। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूसली जो ट्रैवल करेगा प्रोपागेट होगा, स्टेशनरी मतलब ट्रैवल नहीं करेगा, एक ही स्पेस में वही पे रहेगा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब डिफाइन करना है, राइट डाउन, द वेव विच कंटिन्यूसली, द वेव विच कंटिन्यूसली ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम, द वेव विच कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम, द वेव विच कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। मतलब उसका फॉर्म नहीं चेंज होगा और वो मीडियम में कंटिन्यूसली प्रोपागेट करेगा तो उसको बोला जाएगा प्रोग्रेसिव वेव। अब इसका एग्जांपल कहाँ पे होता है, ऐसे कि सोर्स ने प्रोड्यूस किया एंड ये कंटिन्यूसली प्रोपागेट होता जा रहा है, साउंड वेव, जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट बेंच पे है उनको भी सुनाई दे रहा है, सेकंड बेंच पे, लास्ट बेंच पे उनको भी सुनाई दे रहा है, मतलब ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है थ्रू द मीडियम। अनदर एग्जांपल, लाइट, जैसे सन ने प्रोड्यूस किया था इतनी दूर फिर भी अर्थ तक आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली प्रोपागेट कर रहा है थ्रू द मीडियम, तो ये बन गया अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इसको छोड़ के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी गुड, कम्युनिकेशन के फॉर्म में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने मार्स के ऊपर एक रोवर वहां पे प्लेस कर दिया है, उसको हम यहाँ से ऑपरेट करते, तो यहाँ से वेव जनरेट करने के बाद ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है फ्रॉम अर्थ से लेके मार्स तक, तो ये क्या हो गया, अगेन प्रोग्रेसिव वेव। दूसरा आएगा स्टेशनरी वेव, राइट डाउन, प्रोग्रेसिव वेव में कंटिन्यूअसली प्रोपागेट होता है थ्रू द, स्टॉप होगा तो हम उसको वेव कैसे बोलेंगे, फिर हिट करेगा, हिट तो प्रोग्रेसिव वेव भी करता है, इसलिए पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं करेगा, वेरी गुड। तो क्या करेगा, एग्जांपल बोलो, फिर एग्जांपल से डेफिनेशन तक आ सकते हैं हम, स्टेशनरी वेव कहां पे प्रोड्यूस होता है, क्या लगता है आपको, होता है कि इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस, थिंक अपॉन इट। प्रोग्रेसिव वेव तो क्लियर हो गया, एक बार प्रोड्यूस किया वो ट्रैवल कर रहा है, तो स्टेशनरी वेव में क्या होगा, कहाँ पे होता है स्टेशनरी वेव, होता भी है या थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट, बराबर, प्रैक्टिकल कांसेप्ट ही है स्टेशनरी वेव, थिंक अपॉन इट, कम ऑन फास्ट, स्ट्रिंग मध्ये, एक्सलेंट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। वीणा, गिटार, सितार, ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, दो एंड होते हैं एंड दो एंड के बिटवीन एक स्ट्रिंग असते, स्ट्रिंग का तो तार, दोरी है ना, उसको फिक्स कर देते, फिक्स करने के बाद सेंटर में उसको प्लग करते, प्लग करने के बाद ऐसे होता है क्या, लगेज जिकडे फिक्स केलं होतं तो खिळा लगेज उकडून गेला आणि स्ट्रिंग ट्रॅव्हल करायला लागली मीडियम मध्ये, ऐसे होता है क्या, वो फिक्स है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड, इसके बिटवीन वो स्ट्रिंग जो है वो अपने वाइब्रेशन परफॉर्म करती है, मतलब ये क्या बन गया, एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी वेव, एक्सलंट। अनदर एग्जाम्पल, आता सुचतील आपल्या, अनदर एग्जाम्पल, मी तिन्ही पण सांगून टाकले ना, गिटार, सितार, विना, अजून काय असतं, बॉटल, वॉटर वेव, नाही ना, वॉटर म्हणजे काय, वॉटर जर आपण भांड्यामध्ये घेतली तर ठीक आहे, वो स्टेशनरी हो जाएगा, आणि वही अगर समुद्रात घेतली तर, देखो जितने भी म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट्स होते, म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट्स कळतं का, जो क्या करते हैं, डिफरंट म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे टाइम्स मेलोडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते कैसे, एग्जांपल बोल सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, तबला, गिटार, फ्लूट, ड्रम, अजून हाँ, हार्मोनियम, अजून वीणा, अजून फ्लूट झाली ना बेटा, किती वेळा फ्लूट सांगतो, बर, त्याची फ्लूट, तीन फ्लूट, अजून सिंथेसायझर, व्हेरी गुड, अजून माउथ ऑर्गन, एक्सलंट, व्हेरी गुड, ऋषी कपूर, अजून
बस झाले। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक कॉमन थिंग क्या है देखो, हाँ वेरी गुड, लगे स्टेशनरी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कॉमन थिंग क्या है कि जैसे गिटार है, सितार है, वीणा है, उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, लेकिन स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के साथ में वहां पे नीचे एक उड़न का बॉक्स बनाया जाता है, कड़ा लो। अब ये गिटार, सितार, वीणा तीनों केस में होता है, उसके बाद में तबला है या फिर ड्रम है या फिर वो मृदंग है, तीनों में क्या होता है, अगेन दोनों साइड में स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम प्लग करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड उसके बिटवीन क्या होता है, एक एयर का कॉलम होता है, समझ में आ रहा है, मतलब एयर का बॉक्स होता है। उसके बाद में जो हारमोनियम होता है पेटी, उसमें भी क्या होता है, अगेन एयर का कॉलम होता है। इसका मतलब हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है, बस स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते। अब ये स्टेशनरी वेव में होता क्या है, देखो आगे टॉपिक में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले इसको, बस पहले समझ लेते कि ऐसे दो सपोर्ट में एक स्ट्रिंग हमने फिक्स कर दी, तो एक बार हमने वेव जनरेट किया तो यहाँ पे क्या होता है, ये वेव इस तरह से ट्रैवल करता है, यहाँ पे आने के बाद इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होके अगेन ये वापस आता है, एंड इस तरह से लूप फॉर्म करता है। इस टाइप के वेव को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रहे हैं, इसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव। राइट डाउन, स्टेशनरी वेव मतलब when two identical progressive waves traveling through the medium when two simple progressive waves traveling through the medium along same path but in the opposite direction along same path but in the opposite direction। इसका मतलब समझ में आ गया, देखो ये वेव जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होके एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एंड वही वेव है जो यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। इसका मतलब दोनों भी वेव कैसे है, आइडेंटिकल है, सेम है, एक ही पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, बस उनमें क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो ट्रैवल्स अलॉन्ग सेम पाथ बट इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म्स लूप लाइक स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म करता है, लूप्स फॉर्म करता है, फॉर्म्स लूप लाइक स्ट्रक्चर, लिहाइए फॉर्म्स लूप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टेशनरी वेव। ये बघा एकदम सिंपल थेरोटिकल टॉपिक है, कंप्लीट स्टार्ट किया था फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ वेव। वेव मतलब क्या होता है, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस थ्रू विच एनर्जी कैन प्रोपागेट, जो एनर्जी हम प्रोपागेट मतलब प्रोड्यूस करेंगे वो मीडियम में से ट्रैवल करेगी, प्रोपागेट करेगी, और प्रोपागेट होते टाइम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे या फिर ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। तो इस ऑसिलेशन में या फिर वाइब्रेशन में क्या होता है, उसके लिए हमने वेरियस टाइप्स ऑफ वेव देखी स्टार्ट में, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल मीडियम, अगर मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है तो मैकेनिकल, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन, अगर वन डायरेक्शनल बोलेंगे तो स्ट्रिंग का, टू डायरेक्शनल बोलेंगे तो थ्री डायरेक्शनल, और थ्री डायमेंशनल बोलेंगे तो उसके बाद में पार्टिकल जो वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग, अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे तो पैरेलल प्लेन में वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे तो, एंड उसके बाद में अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपागेशन, एक आता है प्रोग्रेसिव, दूसरा आता है स्टेशनरी वेव, ठीक है। एंड इसके बाद में फिर हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है, राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब ये सिंपल हार्मोनिक मतलब क्या है, इस रिलेटेड हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, रिपीटेटिव, है ना, एसएचएम था ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें क्या होता था
पार्टिकल मूव करता था अलोंग सेम पाथ अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे हम उसको इस वेव की केस में भी इंट्रोड्यूस करने वाले, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो किसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? देखो एनर्जी तो एक पाथ पे रिपीट रिपीट ट्रैवल नहीं करने वाली, एनर्जी को क्या करना है मीडियम में प्रोपागेट होना है। लेकिन जब भी एनर्जी प्रोपागेट होती है तो ऑसिलेट कौन होता है, वाइब्रेट कौन होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ये अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है एंड इनकी मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक है तो उस टाइप के वेव को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर है? सो राइट डाउन, व्हेन वेव प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम, प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम, Particles of the medium, particles of the medium performs vibrations, performs vibrations if these vibrations are simple harmonic. Then the wave is known as simple harmonic progressive wave. Simple harmonic progressive wave. देखो कितनी बड़ी डेफिनेशन, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, वही बातें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब मीडियम मीडियम में से प्रोपागेट होता है पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं। ये तो पहले का स्टेटमेंट जो हमें मालूम था। उसके आगे अगर ये वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक मतलब लीनियर पाथ पे है एंड रिपीटेटिव है, तो उस टाइप के वेव को हम क्या बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो इसके आगे हम वेव बोलेंगे या फिर प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे या फिर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे, सबकी केस सिमिलर होगी। इतनी बातें वहां पे रिपीट होने वाली है, मतलब एनर्जी मीडियम में से प्रोपागेट करेगी, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उस टाइप के वेव को हम क्या बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। क्लियर है? हो गया लिख के। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में अगेन हमें वेव के दो टाइप मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, एंड सेकंड वन होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ये ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है ये हमें दोनों केस में देखने, मतलब प्रोग्रेसिव में भी एंड स्टेशनरी में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव वेव्स ओनली। तो आगे का हमारा पॉइंट क्या होगा फिर, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जिसमें कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्या था ट्रांसवर्स वेव मतलब, तो ये स्टेशनरी है या फिर प्रोग्रेसिव है तो भी उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम। तो डिफाइन कर लो फिर से, ट्रांसवर्स वेव मतलब द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशंस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। और उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ग्राफ यूज करते थे जिसमें y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, x के अलोंग अगर t है तो यहाँ पे हमें एक साइन कर्व मिलता था। अभी साइन कर्व क्यों मिलता है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे SHM का इक्वेशन यूज करेंगे। क्या था SHM का इक्वेशन, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, एंड a साइन ओमेगा t का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। तो वही रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करने के बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हमें यहां पे लिखना है, जो मालूम है बट लिख लो। राइट ऑन फर्स्ट वन, व्हाइल प्रोपागेटिंग थ्रू द मीडियम ट्रांसवर्स वेव
डिवाइड्स मीडियम इंटू टू पार्ट्स, मतलब जब भी ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट होता है तो मीडियम को क्या करता है, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से दो पार्ट? एक एनर्जी जा रही है येलो कलर, तो एनर्जी के ऊपर का जो मीडियम है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, एंड जो नीचे उसको हम बोलते हैं, तो राइट डाउन कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ। इट डिवाइड्स मीडियम इनटू टू पार्ट्स, दैट इज क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, लेकिन एडजेसेंट, हाँ, एक क्रस्ट हो गया उसके बाद में एक ट्रफ, दोन चार वाइब्रेशन नंतर चा नहीं गया, ठीक है। वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ फॉर्म्स वन वेव और वन वाइब्रेशन, मतलब एक वेव फॉर्म हुआ या फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, ऐसे हम कब बोलेंगे, जब वहां पे एक कंप्रेशन, सॉरी एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और क्या होता है, लैम्बडा, वेरी गुड, मतलब वेवलेंथ। सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ और लैम्बडा। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम टू वेव और टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन वेव क्या होता है, पीरियडिक टाइम, नहीं पीरियडिक टाइम बोलते हैं ना, टी, देन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बिकम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव, नंबर ऑफ कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये हो गए इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं एंड हमें मालूम भी थे, ठीक है। अभी स्टार मार्क करके आईएमपी लिखो एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, फॉर द प्रोपागेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द मीडियम, द प्रोपागेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द मीडियम For the propagation of transverse wave through the medium, medium must possess modulus of rigidity, that is eta, modulus of rigidity, that is eta। आता हे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, या हमें नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है, ठीक है, जब हम इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। तब तक ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, बस इसको याद करो। मतलब ट्रांसवर्स वेव की प्रोपागेशन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की। एंड ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रांसवर्स वेव होंगे दे कैन ट्रेवल टू सॉलिड्स, ट्रांसवर्स वेव होंगे दे कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड्स, ट्रांसवर्स वेव लिक्विड में से या फिर गैसेस में से या फिर फ्लूइड में से प्रोपागेट नहीं होते। ट्रांसवर्स वेव कहां से प्रोपागेट होंगे, ओनली मग वॉटर च्या सरफेस वर काय होतो, वॉटर का सरफेस होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, अप एंड डाउन ऐसे वेव प्रोपागेट होता है ना, तो वो भी ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव वाटर के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना। तो ये सॉलिड के साथ साथ प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, सरफेस सेपरेटिंग बिटवीन टू मीडियम, मतलब वहां पे वाटर है उसके ऊपर अगर एयर है तो दोनों को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है उसके ऊपर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन पानीच्या मध्ये आपण ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करू शकत नाही, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा था, फॉर द प्रोपागेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव मीडियम मस्ट पजेसेस मॉड्यूलस ऑफ rigidity, that is eta, it means
इट मींस ट्रांसवर्स वेव, इट मींस ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट और प्रोड्यूस ओनली थ्रू सॉलिड्स। ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोपागेट हो सकते हैं या फिर प्रोड्यूस हो सकते हैं कहां पे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में। और अल्टरनेट क्या है उसको, सरफेस सेपरेटिंग बिटवीन टू मीडियम, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, ये दो कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेस। रिलेटेड क्वेश्चन होते, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ लिक्विड और गैसेस और एयर। हो गया। अब और एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेंस्ट स्टार मार्क करके आईएमपी लिखो, क्योंकि जब मैं ओरल में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछूंगा तो ये बाकी मारा चिल्लर नहीं सहित चलेल, बट ये स्टार मार्क करून लिता ये कंपलसरी लागना है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या था, मीडियम मस्ट पजेसेस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये किसके लिए होता है, सिर्फ सॉलिड्स के लिए, इसलिए ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट ओनली थ्रू या फिर सरफेस सेपरेटिंग बिटवीन टू मीडियम। नेक्स्ट, क्या लिखा, स्टार मार्क करके आईएमपी लिख दिया, देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी, देयर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी, देयर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम व्हेन ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम। मतलब जब प्रोग्रेसिव वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट होगा तो वहां पे प्रेशर एंड डेंसिटी में कुछ भी चेंज ऑकर नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। अगेन थर्ड पॉइंट विथ स्टार मार्क आईएमपी, velocity of transverse wave, velocity of transverse wave velocity of transverse wave along the string, along the string, जो string के ऊपर हम transverse wave produce करते हैं उसकी velocity calculate करने के लिए formula है root of, क्या ये t upon mu, क्या है root of t upon mu, where t का मतलब tension in the string, t का मतलब क्या होगा यहाँ पे, tension in the string, mu का मतलब mass per unit length, very good, write down, v equals to root of t upon mu, v equals to root of t upon mu, where t is the tension in the string and mu is the mass per unit length। अब ये mass per unit length का मतलब क्या होता है, mu is equals to अस m upon l, इसको क्या बोलते हैं फिर हम, mass per unit length। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, बस म्यू को रिप्लेस किया है एम अपॉन एल से, तो ये डिनोमिनेटर का एल मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, तो ये क्या बना, रूट ऑफ टी इंटू एल अपॉन एम। अगेन यहां पे एम को हम रिप्लेस करेंगे बाय, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू बनेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, तो ये सारे फॉर्मूले हम यहां पे पुट कर रहे हैं। देखो यहां पे t by mu था, फिर mu को बोला m by l, तो ये 1 upon 1 upon l multiply हो गया,
ये बन गया रूट ऑफ टी एल बाय एम इक्वल्स टू एल एल कट करके टी अपॉन रो इंटू ए। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कहां पे अलोंग द स्ट्रिंग। यानी कि शट डाउन स्टार मार करके देयरफॉर वेलोसिटी का एंड टेंशन का क्या रिलेशन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। शट डाउन नंबर वन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। इसका मतलब v2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा रूट ऑफ t2 अपॉन t1। उसके बाद में मास एंड लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। मतलब ये क्या बनेगा, एक मिनट ये v है, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। यानी कि v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू क्या बनेगा रूट ऑफ l2 अपॉन l1। उसके साथ मास के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m। यानी कि v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू कौन है रूट ऑफ m1 अपॉन m2। उसके बाद में डेंसिटी से डेंसिटी एंड एरिया के साथ में क्या है, अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, रोप की जो स्ट्रिंग हमने कंसिडर की थी उसकी डेंसिटी। तो ये v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू क्या बनेगा v2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ रो वन अपॉन रूट। एंड एरिया के साथ में क्या डिपेंडेंसी थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ ए। तो क्या बनेगा ये v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 अपॉन 8। हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखो आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट अगेन पहले टाइप्स ऑफ वेव देखे बेस्ड ऑन इट्स प्रोपागेशन। पहले आता है प्रोग्रेसिव वेव जो क्या करेगा कंटिन्यूसली प्रोपागेट होगा, एंड दूसरा देखा स्टेशनरी वेव जो क्या करेगा एक वेव के ऊपर सुपरपोज होगा लेकिन उसी स्पेस में वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, उसमें से हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट प्रोग्रेसिव वेव और उसको अलग से हमने डिफाइन करके बोला था सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो क्या होता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, मतलब अरे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। नहीं आता लिहिलंय तुम्ही फर्स्ट पॉइंट आजचा खुशी, द वेव प्रोपागेट्स कंटिन्युअसली थ्रू द गिवन मीडियम एंड पार्टिकल्स परफॉर्म व्हायब्रेशन्स। इफ दीज व्हायब्रेशन्स आर सिंपल हार्मोनिक देन द वेव इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। अगेन इसके दो टाइप देखे हमने, एक ट्रांसवर्स वेव दूसरा लॉन्जिट्यूडनल वेव। एंड ट्रांसवर्स को पहले भी डिफाइन कर चुके थे, अलग से फिर से डिफाइन किया, क्या था डेफिनेशन उसका, द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशंस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ये ट्रैवल करता है थ्रू द मीडियम, मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, पहले होता है क्रस्ट दूसरा होता है ट्रफ। उसके बाद में क्रस्ट एंड क्रस्ट या फिर ट्रफ एंड ट्रफ इनके बिटवीन का सेपरेशन मतलब वेवलेंथ, क्रस्ट एंड ट्रफ मिला के वन वेव या फिर वन वाइब्रेशन। तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम मतलब पीरियोडिक टाइम यानी टी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 1 अपॉन t। उसके बाद में v इक्वल्स टू n इनटू लैम्डा, ये वेव का एक्सप्रेशन। एंड उसके बाद में आते स्टार मार्क करके IMP पॉइंट, जिस पे फर्स्ट पॉइंट था फॉर द प्रोपागेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द मीडियम, मीडियम मस्ट पजेसेस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज ईटा, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी ईटा वहां पे रिक्वायर्ड होगा एंड वो होता है सिर्फ सॉलिड की केस में। इसलिए ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली प्रोपागेट और प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ सॉलिड्स या फिर
सरफेस सेपरेटिंग बिटवीन टू मीडियम. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क अगेन आईएमपी, देयर इज नो वेरिएशन इन द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम व्हेन ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट थ्रू द मीडियम. एंड उसके बाद में लास्ट वन, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द मीडियम इज गिवन बाय वी इक्वल्स टू, और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द स्ट्रिंग कितनी थी, वी इक्वल्स टू रूट ऑफ टी बाय म्यू. वी इक्वल्स टू रूट ऑफ टी बाय म्यू, वेयर टी का मतलब टेंशन, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ. सिंप्लीफाई करके क्या क्या बना, फिर वी इक्वल्स टू पहले रूट ऑफ टी बाय म्यू, उसके बाद में रूट ऑफ टी एल अपॉन एम, उसके बाद में रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू ए, कारण एल एल कट झालं. ठीक आहे, तीन फॉर्मुले परत एकदा, वी इक्वल्स टू रूट ऑफ टी बाय म्यू, दुसरा फॉर्मुला रूट ऑफ टी एल अपॉन कैपिटल एम, एंड थर्ड वन रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू ए. इसके ऊपर से फिर रिलेशन देखे, वी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, वी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, उसके बाद वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट ऑफ एल, वी प्रोपोर्शनल नहीं ए, वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट ऑफ रो, परत एकदा वी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, वी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ए, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो यानी डेंसिटी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, सो राइट डाउन क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द मीडियम, कैलकुलेट द, वेरी गुड. चलो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैलकुलेट करनी है, उसके लिए डेटा दिया है बोर्ड पे, एवढा फास्ट सनी. सबका आ गया 10. कैसे आ गया 10? देखो फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू रूट ऑफ t इंटू एल अपॉन m, तो v इक्वल्स टू रूट ऑफ t मतलब कितना दिया है 20, l कितना है 100, m कितना है 20 कट, रूट ऑफ 100 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, ये बन गई वेलोसिटी ऑफ द वेव. अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको बोला है कि अगर वेलोसिटी ऑफ द वेव 20 मीटर पर सेकंड है तो उसमें कितना टेंशन डेवलप होगा इफ इट्स मास वाज 4 केजी एंड लेंथ इज 10 मीटर, कैलकुलेट द टेंशन. सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस. न्यूटन बर क्या होगा, परत फॉर्मूला v इक्वल्स टू रूट ऑफ टी एल अपॉन एम. अभी t कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड में स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो t इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर v स्क्वेयर इंटू एम अपॉन एल. v कितना है 20 का स्क्वेयर 400 इंटू एम कितना है 4, l कितना है 10, कट कितना होगा फिर 160 न्यूटन, दिस विल बी द टेंशन. नेक्स्ट, if velocity of transverse wave is 100 meter per second when tension in the string is 200 newton, when tension in the string is 200 newton, then what will be its velocity, then what will be its velocity when tension becomes 800 newton. Recording in progress.
200। कैसे? देखो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी एंड टेंशन दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t वाला रिलेशन था उसको यूज करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला क्या बनता है, वी टू अपॉन वी वन इक्वल्स टू रूट ऑफ टी टू बाय टी वन। तो यहाँ पे टी टू हमें दिया है कितना है 800, टी वन कितना है 200, तो इनका रेशियो कितना आएगा रूट ऑफ फोर, रूट ऑफ फोर मतलब बन गया 2। तो v2 बनेगा ट्वाइस ऑफ v1, v1 कितना था 100, 100 इंटू 2 मतलब ये आ गया 200 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज 20 मीटर पर सेकंड व्हेन इट्स लेंथ इज 10 मीटर, देन अगर बाकी सब कांस्टेंट रख के हमें वेलोसिटी डबल करनी है तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी? अजुन अजुन रूट में रेशो 40 बनेगा 40 मीटर। देखो फिर से वेलोसिटी एंड लेंथ अगर बोलेंगे तो हमने रिलेशन देखा है v प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, यानी कि ये बनेगा v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ l2 अपॉन l1। अब v2 कितना है मालूम नहीं, v1 दिया है रूट ऑफ l नहीं v2 दिला है आपल्याला है ना, इनको पुट करते v2 कितना है 40, v1 कितना है 20, रूट ऑफ l2 माहित नहीं, l1 कितना है 10, तो ये कट होके कितना बचेगा 2, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 इक्वल्स टू l2 अपॉन 10, यानी कि l2 रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी 40 मीटर। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकंड व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 मीटर का स्क्वायर, 10 मिलीमीटर का स्क्वायर, देन अगर एरिया हम बना देंगे 40 मिलीमीटर का स्क्वायर तो उस केस में वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड, 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, अब यहां पे मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि रेशो आने वाला है, तो रेशो आएगा तो क्या होगा माइनस सिक्स कट हो जाएगा, यानी कि हम यहां पे रिलेशन यूज करेंगे v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू क्या था रूट ऑफ ए वन अपॉन ए टू, तो यहाँ पे हमें वी टू चाहिए, तो ये वी टू अपॉन वी वन, वी वन कितना है 20, रूट ऑफ ए वन कितना है 10, ए टू कितना है 40, तो ये बनेगा 1/4 रूट में मतलब 1/2, तो ये वी टू इक्वल्स टू 20/2 मतलब ये बनेगा 10 मीटर पर सेकंड। हो गया, तो ये हो गया ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव थ्रू द स्ट्रिंग। अभी सेम कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करने अबाउट लॉन्जिट्यूडनल वेव, राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग लॉन्जिट्यूडनल वेव। असं भारी वाटतं खूप, कन्सेप्ट झाली की त्याच्यावरची लगेच न्यूमरिकल असंच घ्यायचं का, ठीक आहे चला असं असं का नव्हतं घेत आपण आतापर्यंत, कारण या टाईपचे क्वेश्चन एक्झाममध्ये येत नाही लक्षात घ्या, कळालं ना, एक्झाममध्ये जे येतात ते वर्कशीटमधले क्वेश्चन आहेत, बट काही प्रॉब्लेम नाही आहे, थोडंसं ओव्हर एक्सपेक्टेशन असल्यामुळे त्या गोष्टी झाल्या होत्या, बट इथून पुढे आपण ते क्लिअर करून घेऊ, कळालं ना, ओव्हर एक्सपेक्टेशन कळतं ना, जे आहे त्याच्यापेक्षा मी जास्त एक्सपेक्ट करत होतो समजत होतो, बट आता तसं नाही आपण असंच घेऊ, कळालं ना, फक्त आता ही व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा। नेक्स्ट, लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब हे असं आम्ही ना 2014-15 पर्यंत शिकवायचो, कन्सेप्ट झाली की लगेच ही अननोन टर्म ती अननोन टर्म, मग त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्या की लगेच आन्सर येईल, आणि तेव्हा एक्झामची लेवल पण तशीच होती, कळालं ना, बट आता तसा आणि एक्झामच्या लेवलचा दूरदूरपर्यंत कंडिश संबंध नाही आहे, पण होतंय काय हा जो गॅप राहतो याच्यामुळे बऱ्याच लोकांना थोडंसं आयडियाच येत नाही आहे, क्वेश्चन सोडवायला घेताय बट कोणता फॉर्म्युला घ्यायचा काय घ्यायचा कन्फ्युजन खूप वाढतंय, कळालं ना, त्यामुळे आपण दोन्ही पॅटर्न आता मिक्स करू, म्हणजे हे अशाच पद्धतीनं फॉर्म्युला झाला की त्याच्यावर लगेच प्रॅक्टिस क्वेश्चन, कळालं,
सोबत डेली आपले जे वर्कशीट पॅटर्न सुरू आहे त्या वर्कशीट पण कळालं ना, म्हणजे ज्यांना हे समजल्यामुळे वर्कशीट सोडवायला हेल्प होईल त्यांना दोन्ही गोष्टींची मदत होईल, कळालं, आणि ज्यांना हे थोडंसं गरजेचं नाही आहे कळतं तेवढं त्यांच्यासाठी वर्कशीट्स पण आहेत, म्हणजे सगळ्यांना थोडंसं व्यवस्थित आयडिया येऊन जाईल त्याची. ठीक आहे, चलो राईट डाऊन लॉन्जिट्युडनल वेव. क्या होता है लॉन्जिट्युडनल वेव, मतलब करा एकदा डिफाइन परत. द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशन्स इन ए प्लेन परपेंडिकुलर का पैरेलल, ट्रांसवर्स का मीनिंग परपेंडिकुलर, इसलिए पार्टिकल परपेंडिकुलर, लॉन्जिट्यूडनल का मीनिंग पैरेलल है, तो पार्टिकल भी क्या करेंगे पैरेलल प्लेन में वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे. सो राइट डाउन द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशन्स, द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशन्स इन ए प्लेन, कौन सा प्लेन, पैरेलल, वेरी गुड, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. अब देखो जो ट्रांसवर्स वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उससे कंपेयर करके हमें यहां पे लिखना है. वहां पे पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट डिवाइड्स मीडियम इनटू टू पार्ट्स अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रप. यहां पे भी क्या होगा, इट डिवाइड्स मीडियम इनटू टू पार्ट्स अल्टरनेट कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. राइट डाउन, इट डिवाइड्स मीडियम इनटू टू पार्ट्स अल्टरनेटली क्रस्ट एंड सॉरी कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. इट डिवाइड्स मीडियम इनटू टू पार्ट्स अल्टरनेटली कौन से कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, हो गया. आता पुढचे जे पॉइंट्स आहेत ते सिमिलर आहेत त्यामुळे लिहायचे नाहीत. बघा क्या था कि जैसे वहां पे वन क्रस्ट एंड वन ट्रप फॉर्म्स वन वाइब्रेशन और वन वेव, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन फॉर्म्स वन वेव या फिर वन वाइब्रेशन. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये समझ में आता है. वहां पे क्या था, सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट एंड क्रस्ट और ट्रप, उसको बोलते थे वेवलेंथ. यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. वहां पे बोला था हमने कि एक वेव एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम पीरियोडिक टाइम. यहाँ पे भी क्या होगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम मतलब पीरियोडिक टाइम. यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ये सारे पॉइंट सिमिलर होंगे, बट जो स्टार मार्क करके लिखे थे उनमें डिफरेंस आएगा. तो राइट डाउन विद स्टार मार्क. वहां पे क्या था, पहला स्टार मार्क वाला, रिक्वायर्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो यहाँ पे क्या होगा, इट रिक्वायर्स बल्क मॉडुलस. कौन सा मॉडुलस, बल्क मॉडुलस मतलब बीटा. लॉन्जिट्यूडनल वेव रिक्वायर्स बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम. अभी जो बल्क मॉडुलस होता है ये सॉलिड्स को भी होता है, लिक्विड को भी होता है, गैसेस को भी होता है. इसका मतलब क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपागेटेड इन solids as well as liquids as well as gases in all three mediums. Write down, for the propagation of longitudinal wave medium must possesses bulk modulus, medium must possesses bulk modulus, but as bulk modulus is possessed by all three mediums, bulk modulus, okay, for the propagation of longitudinal wave medium must possesses bulk modulus. Hello Bhagat, next, but bulk modulus is possessed by all three medium, matlab ye tino medium ko hota hai, gases ko hota hai, solid ko hota hai, as well as liquid ko hota hai. Bulk modulus is possessed by all three medium, therefore kya hoga, therefore longitudinal wave can be produced and propagated in all three mediums, that is solid,
लिक्विड एज वेल एज गैसेस, ये सॉलिड में से भी प्रोपागेट होंगे, लिक्विड में से भी प्रोपागेट होंगे एंड गैसेस में भी प्रोपागेट होंगे। डिफरेंस समझ में आ गया। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट ओनली थ्रू सॉलिड्स, बट लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो सॉलिड भी लिक्विड भी गैस भी। पर देखदा, ट्रांसवर्स वेव ओनली थ्रू, बट लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो सॉलिड लिक्विड, बट एक एक्सेप्शन है तेवढं लक्षात ठेवायचं। ट्रांसवर्स वेव कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू द मीडियम और सरफेस सेपरेटिंग बिटवीन टू मीडियम, जैसे वाटर के सरफेस के ऊपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था स्टार मार्क करके, ट्रांसवर्स का प्रेशर डेंसिटी का वेरिएशन नहीं था, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ता है, रेयर फैक्शन मतलब प्रेशर, मतलब देर इज ए वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, देर इज वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, देर इज वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपागेट थ्रू द मीडियम, व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपागेट थ्रू द मीडियम, जब लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपागेट होता है थ्रू द मीडियम तो वहां पे प्रेशर एंड डेंसिटी वैरी होती है। मतलब कंपेयर करके देखो, ट्रांसवर्स वेव ओनली सॉलिड्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड गैसेस, उसके बाद में प्रेशर डेंसिटी का वेरिएशन होता है इनकेस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल, नहीं होता है इनकेस ऑफ ट्रांसवर्स, पर देखदा नहीं होता है इनकेस ऑफ एंड होता है इनकेस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल। थर्ड वन वेलोसिटी, ट्रांसवर्स की क्या थी, रूट ऑफ टी बाय, उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव थ्रू द मीडियम इज गिवन बाय रूट ऑफ ई बाय रो, ई का मतलब नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या होता है ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड रो का मतलब डेंसिटी, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। बस इतना ही इसमें, फिर वहां पे डेंसिटी को कन्वर्ट करो, ई को कन्वर्ट करो, ऐसे कुछ नहीं होगा। बस वहां पे क्या होता है, तीन मीडियम होते हैं, तीन मीडियम के मतलब अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड अगर बोलेंगे तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस, लिक्विड गैसेस के एंड एयर के लिए वहां पे बल्क मॉडुलस, ठीक है। एंड और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो ओनली फॉर सॉलिड्स होता है, ठीक है। तो आगे जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बस ये लॉन्जिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वी इक्वल्स टू रूट ऑफ ई बाय रो, क्लियर है। आता आज अपन दोनों पॉइंट बघितले, बघ कुठले, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सवर्स वेव अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, त्यांच्यामध्ये पण तीन तीन पॉइंट स्टार मार्क करके दे, उतने इम्पॉर्टंट थे। कौन से कौन से, ट्रान्सवर्स वेव की केस में इट रिक्वायर्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दॅट्स वाय कॅन ट्रॅव्हल थ्रू सॉलिड्स ओनली, एक्सेप्शन क्या आहे, कॅन ट्रॅव्हल थ्रू सरफेस बिटवीन टू सरफेसेस या फिर टू मीडियम, उसके बाद में नो वेरिएशन इन प्रेशर अँड डेन्सिटी, उसके बाद वेलॉसिटी इज गिवन बाय रूट ऑफ टी बाय म्यू, मतलब रूट ऑफ टी एल बाय m, मतलब रूट ऑफ टी अपॉन रो इन टू ए, उसके ऊपर से फिर v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ a, v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 अपॉन रो, एंड उनके ऊपर से फिर v2 बाय v1 एंड उनके रिलेशन आ गए, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल में क्या है, फिर वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी, देन रिक्वायर्स बल्क मॉडुलस एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय रूट ऑफ e बाय रो, कळालो। तर या सगळ्या थेरॉटिकल कन्सेप्ट टॉपिकच्या कंप्लीट झाल्या, फ्रॉम टुमारो हम जो है एक्चुअल जो फॉर्मुले डेरिवेशन्स एंड न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होगा टॉपिक का वो शुरू करने वाले, ठीक है। लेकिन उसमें रिपीटेडली अब तक दो लेक्चर में जो भी कन्सेप्ट हमने देखी है उनका यूज करना है, त्यामुळे हे सगळं व्यवस्थित एकदा प्रिपेअर करा। हे सगळं नाईन माहीत नाही, लक्षात नाही द्या सोडून, बट आजच्या आणि आजच्या सॉरी डे बिफोर काल म्हणजे ट्यूजडे आणि आजच्या लेक्चरला जो कंटेंट आपण थेरॉटिकल बघितला आहे हा व्यवस्थित प्रिपेअर करा, कारण उद्यापासून थेरी संपली, सगळे आपले डेरिवेशन्स न्यूमरिकल सुरू होणार आहे, ठीक आहे। आणि उद्यापासून सेम कन्सेप्ट आपण फॉर्म्युला आला की लगेच त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स असे एक अननोन टेम ठेवून कसे क्वेश्चन बनतात ते आपण डिस्कस करू, ओके। चल हो गया।
वर्कशीट आज नहीं है, उद्यापासून।